ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, ये 1997 की बात है। पुलिस ने रास्ता दिया इनको, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जरा देखें, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से इनको नून लीग के बुड्ढों को जाने दिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने लगा था, जस्टिस सजाद अली शाह। और ये देखें कि पुलिस तमाशा देख रही है और डंडे लेके 1997 में, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए। दोबारे टॉप के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कॉमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कॉमेंट्री हो रही हो। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान बचा के भागा, चीफ जस्टिस को, बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसलत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर है। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। मुझे ये मुल्तान बताओ कि छोटा आदमी तो भैंस चोरी, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो तो जेल में, तो जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के बाहर जाता है वो कहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं। और ये है जंग, इंसाफ की जंग है पाकिस्तान में। हम सब ने मिलकर, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। थानों में जुल्म होंगे, ताकतवर झूठे केस करवाएगा कमजोर पे, थानों में जुल्म, जमीनों पे कब्जे।